इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्ते भैया अंकिल। हेलो, बोलो। हाँ, कौन? हेलो जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ, बोल बोल। भाई साहब, फरवरी 28 दिन की होती है जब, अच्छा, तो तो मैं इसमें क्या करूँ? तो 28 दिन फाइव की होती तो है आठ तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा, स्पेशली मन आप। शांत है। मेरा मन शांत करेगा एक तू है सेकंड बता। रुकिए, नहीं आप, मैं नहीं हाँ करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो, 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान कान के नीचे के नीचे? एक अबे तेरे कान के नीचे हुआ नहीं, ना। मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे क्या हाँ, कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ, अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं अरे होती, जिसमें तू ये एक अबे बार ही 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। हाँ 28 दिन से सुना। फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? है मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं, मेरे घर में टीवी है। तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है, अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी फोन आवाज कट रही है, आवाज। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है हाँ क्या क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ, हाँ देखो मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे, पूछो कैसे? है क्योंकि आप, आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा, तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 28 दिन है अगर फरवरी तो थोड़ा स्वभाव शांत करो अबे तुम्हें आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। क्या 27 दिन वाले फरवरी? ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? साले हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? इस पेज को सबस्क्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, हेलो, कौन तो यही जवाब दोगे क्या? कौन, क्या, कैसे, ये भी पूछ सकते हो? हेलो का मतलब हेलो। बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ। नमस्ते भाई। हेलो, हाँ नमस्ते भाई। हेलो, बोल आगे। हो गया हेलो यार, आगे बोल। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है, कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत चेकिंग अरे सुबह भाई सुबह, साहब क्या प्लीज लेना हमें सॉरी, भाई। एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है क्योंकि अगर हाँ बुमराह जैसा बैट्समैन हो हाँ और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है, कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर हाँ कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत दे कि एक यार। सेकेंड मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है, पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि आ मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है एक एक्टिंग। से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा, एक नंबर या दो नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, चेक से शख्स, मैं शख्स अच्छा ठीक है। हाँ ठीक कितना गलत आदमी है वो, उसको जब प्रेशर गलत आएगा आदमी। तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो मुझे रिलीज करना, कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा हाँ प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना, भाई ऐसा है, वही उंगली ना घुमा के ना भाई तेरा साहब,
फोन रखिए आप, बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी 93.5 FM हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारे बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुँह से बोलते हैं। अच्छा अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चलता, पता। एक अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, मैं आई डू दिस। क्या पता क्यों बनाते हैं? सुनिए तो, मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ एक तारीख को बना के लोग बोलते अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप। अरे पूरे महीने कैसे? एक महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा, हम लोग बीच पे गए। अच्छा, बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा, मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है, फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अब क्या तो ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग, जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में, और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ आ जाएगा। ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बड़ा बढ़िया है ना यार, बना रहे हो तुम तो। एको मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच रहे। सुन तो मेरा, सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस। अच्छा, मैंने राइट वाला भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। सुन तो, बताऊं कैसे? बताऊं कैसे? बता बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया, और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना, तब बोलेगा छोड़ दो भगवान छोड़ दो। इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात करता है, पान मसाला खाने के लिए स्वास्थ्य के लिए निकाले गए। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे, काट दे। काट दिया? नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा। घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारे बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ कौन? बउआ बोल रहे हो भाई साहब? नमस्ते। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अरे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, एक मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है, पूछो कैसे? कैसे कैसे? क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? एक सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं, बताओ मैं क्या करूं। वो दुखी की बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी।
दे दे फिर आपकी आपके सर के बाल की कसम, इतने इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 FM बजाते रहो, फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, कौन बोल रहे भैया? मैं बहुआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं। नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि, भाई साहब पूरा तो कर ले। आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ, हेलो, बताओ बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ हाँ, नवरात्रि चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कभी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया यार? अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे एक मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं है? तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा, करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर है? जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। रात माता का मुझे। तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है? अगर ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाई है। हाँ, और दिमाग खराब कर रखा है। सामक बावला है आप? अरे घंटा चल गलत कैसे कैसे। तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा आपको। ईमेल बात कर रहे, गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर में नवरात्रि स्पेशल धमाके में थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा और साबुदाना सेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती हूँ, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बट साबुदाना सेक मिलता का है बैरागी? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो एफसी रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो, शानदार। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, हेलो। हाँ जी जी, मैं बहुआ बोल रही हूँ, क्या हाल है जी? बच्चे हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो, हेलो भाई साहब, एक सेकंड, आवाज कट रही थी। हेलो, जोर से बोलो। हेलो हेलो, बोल तो रहा हूँ यार, हेलो हेलो, और क्या है? लगता है सुनाई नहीं, मैं वापस मिलाता हूँ काट के वापस में। देखते एक बार। हेलो भाई साहब, जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ, हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं, जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलू? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोलो, आवाज वैसे ही पहुँच जाती बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे, एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो, जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा था, तो दम लगा रहा बोला, हेलो हेलो बोलने में समझ नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि नहीं? बिल्कुल हाँ, ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे हैं, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो, और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जोर जो नवरात्रि चल रहे, जोर से बोलो, पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ नहीं, एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। अरे मिलके बोलो, जय माता दी। भैया जी हाँ बोलो। हेलो, हाँ हेलो, जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता जी बोल, जोर से बोलो, जय माता की, जय माता की, यही बोलना था। साइडे बोलो, जय माता की, फिर से बोलो, जय माता की, जय माता जी, जय माता की, बस। हेलो, हाँ हेलो, हेलो बंद कर।
बंद कर बंद बंद 93.5 FM बहुआ बल्लियों बजाते रहो, नवरात्रि की शुभकामनाएं जोर से बोलो, जय माता दी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल लो। हेलो, सॉरी सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। आवाज भी कट रही है, मैं बहुआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़े रेंज में अजी आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तू लैंडलाइन पे आया है, फाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी मैं कह रहा था। हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप तो भी नचा? हेलो, तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं या पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। डिटेल में समझाऊं क्या? नहीं मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अब फोन काट रहा है? नहीं काट रहा। हेलो, मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में क्या उखाड़ के आ जाऊं क्या? गलत बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ हाथ से, हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है तो हाथ की कौन सी उंगली? अगर अंगूठा है सुनिए, तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। छोटी उंगली होती जिससे बोलते मैं आई गो टू टॉयलेट वाली। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। एक सेकंड रुक जा, और रिंग फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बट गई ना बीच वाली। नहीं नहीं बताता हूँ मैं। नहीं नहीं संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचाती है पूछ रहा हूँ मैं, जो आपको दर्द नहीं होता? आवाज कट रही है और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं, अच्छा हुआ कट रही है।